ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। अब आगे सती दक्ष से उनको दोबारा याद दिलाती है। वो कहती हैं कि मुझे बड़ी शर्म आती है कि ये जो मेरा शरीर है, जो एक कुणपे की भांति है, एक थैले की बराबर है, एक बैग की भांति है। ये शरीर को जो है एक बैग बताया जाता है जिसके अंदर में आत्मा बंद है। तो कहती हैं कि ये शरीर तुम्हारे द्वारा प्रदान किया गया, इसे सोच करके मुझे अत्यंत लज्जा आती है और इसलिए मैं इस शरीर को त्याग कर देना चाहती हूं। और वो कहती हैं कि जब भी शिव मुझे अपनी भार्या के रूप में पुकारते हैं, क्योंकि शिवजी जो है उनके पति हैं, तो पति जो है जब अपनी पत्नी को अपने पत्नी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में जब पुकारते हैं, तो कहती हैं कि मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, मुझे जो है आनंद आता है, हर्ष होता है। लेकिन कई बार जब मेरे पति मुझे दाक्षायणी कह करके पुकारते हैं, मतलब दाक्षायणी का मतलब होता है जो दक्ष की पुत्री है, तो कहती है कि मेरे चेहरे पर से वो हंसी चली जाती है, मुस्कुराहट चली जाती है, वो हर्ष, वो मेरी जो जो मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही थी वो सब चला जाता है और मैं दुखी हो जाती हूँ। तो इसलिए ये शरीर जो ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो शिवजी के चरण कमलों पर एक अपराधी है, तो उसे जो है मुझे बड़ी लज्जा आती है, शर्म आती है, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग कर देना चाहती हूं। तो यहां पर हम देख सकते हैं सती ने तुरंत अपने शरीर का त्याग नहीं किया, इतने सारे निर्देश दक्ष को दिए, लेकिन दक्ष देखिए कितना स्टोन हार्टेड है, उसका हृदय कितना पत्थर की भांति है कि अपने मान के लिए, क्योंकि वो गर्वित है, अपने फॉल्स जिसे कहते हैं गलत अभिमान, उसके कारण उसने जो है ध्यान भी नहीं दिया कि मेरी पुत्री जो है बार बार कह रही है कि मैं अपने शरीर का त्याग करना चाहती हूं। तो कम से कम अब तो जो है उसे रोक सकता था, अपनी पुत्री को कह सकता था कि पुत्री मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम कृपा करके ऐसा मत करो। लेकिन दक्ष जो है इतना पत्थर के दिल वाला है कि उसका पत्थर जैसा, उसका लोहे जैसा जो हृदय था वो अभी भी नहीं पिघला। तब सती क्या करती है, तुरंत अपने वस्त्र जो है बदलती है और भगवे वस्त्र धारण करती है। तो ऐसा बताया जाता है कि जो योगी होते हैं वो सैफरन भगवे वस्त्र में ही अपनी योग सिद्धियों के द्वारा अपने शरीर का त्याग कभी भी कर सकते हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है योग सिद्धि होती है। तो जब सही अवसर होता है, सही स्थान पर, सही समय पर योगी जो है अपनी इच्छा के अनुसार इस बाहरी शरीर का त्याग कर सकता है और आत्मा को इस शरीर से बाहर निकाल सकता है।
ये योग की जो है सिद्धि होती है। तो यही सती ने भी किया, क्योंकि उनके पति जो हैं वो स्वयं एक बड़े योगी हैं, बड़े योगेश्वर हैं, वो भी उनके पास में सभी प्रकार की योग सिद्धियां हैं। तो उनकी भार्या होने के कारण ये ज्ञान उनको भी प्राप्त था। तो सती ने क्या किया, उन्होंने भी जो है भगवे कपड़े पहन लिए और जा करके वो आसन में बैठ गई। तो योग का जो है एक प्रकार का कार्यक्रम कैसा होता है, सबसे पहले योग में आसन होते हैं। तो ये हमें समझना है, आसन के द्वारा हमारा शरीर तंदुरुस्त जरूर रहता है, प्राणायाम के द्वारा भी शरीर की बीमारियां चली जाती हैं, लेकिन यही फाइनल गोल नहीं होता है आसन का। योग का असली गंतव्य होता है इस भौतिक शरीर से छुटकारा और आत्मा का इस भौतिक शरीर से प्रस्थान, और कहाँ पर, वैकुंठ धाम, या फिर जिसे कहते हैं आध्यात्मिक संसार, भगवान का सनातन धाम, वो योग की परिपूर्णता है। और अगर व्यक्ति केवल सेटिस्फाई, संतुष्ट हो जाता है, मैंने कुछ आसन कर लिए, मैंने जो है प्राणायाम कर लिया और अब मेरा शरीर तंदुरुस्त है और अब मैं इस संसार को भोग सकता हूँ बढ़िया प्रकार से, वो योग का जो है असली लक्ष्य नहीं होता है। तो अब जो है सती क्या करती हैं, आसन में बैठ जाती हैं। आसन में बैठने के बाद में शरीर में 6 प्रकार के चक्र होते हैं, जिसे षट चक्र कहा जाता है। आत्मा जो है अब इस शरीर में अनेकों प्रकार की वायुओं से घिरी हुई है, उसमें पिंजरे में बंद है। अब अगर चिड़िया पिंजरे में बंद है तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस चिड़िया को इस पिंजरे से कैसे स्वतंत्र किया जाए। तो हम क्या करेंगे, जो पिंजरे का दरवाजा है उसे हम खोलेंगे और चिड़िया जो है उड़ करके स्वतंत्र हो जाएगी। तो योग का लक्ष्य यही होता है, आत्मा को इस शारीरिक बंधनों से कैसे मुक्त किया जाए, वही योग का जो है असली लक्ष्य होता है। तो सती क्या करती है, अब योग में बैठने के पश्चात, आसन में बैठने के पश्चात, अपनी जो शरीर के अंदर में जो वायु होती हैं, अब उसको जो है नियंत्रण में लाती हैं। नियंत्रण में लाने के बाद क्या होती है, जो प्राण जो होते हैं उसे धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। तो आत्मा को जो है धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। तो पहले जो है आत्मा मूलधार में होती है, वहाँ से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से दोनों आँखों के बीच में, और उसके बाद में सहस्रधार जो है सर के ऊपर। तो धीरे धीरे आत्मा को यहाँ से लाने के पश्चात जो है, कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति की मृत्यु के समय में आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मतलब आत्मा जो है आँखों से निकली है, कई बार मुख से निकलती है। जब व्यक्ति इस प्रकार से जो है अपना शरीर त्याग करता है, उसका मुंह खुला हो जाता है, तो आत्मा जो है मुख से निकल जाती है, आँखों से निकल सकती है, लेकिन वो पूर्णता नहीं है। अगर आत्मा को हम धीरे धीरे ऊपर ले जा करके इस चक्र पर, सहस्रधार चक्र पर ला करके, यहाँ से जब आत्मा बाहर निकलती है, तो सीधे जो है आत्मा, योगी जो है अपनी मर्जी के अनुसार आत्मा को कहीं पर भी ले जा सकता है। या तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जा सकता है, आध्यात्मिक संसार में, या फिर वो जो है किसी उच्च स्तर के जो अलग अलग लोक होते हैं वहाँ तक भी जा सकता है। तो सती का विचार क्या था, सती का विचार ये था कि ये शरीर जो मुझे प्राप्त हुआ है दक्ष के द्वारा, एक अब इसके अंदर में दूषण आ गया है, इट इज़ कंटेमिनेटेड। क्यों कंटेमिनेट है, क्योंकि ये शरीर दक्ष से जुड़ा हुआ है, उनके द्वारा दिया गया है, वो शिवजी के प्रति अपराधी हैं, तो ये शरीर भी अपराध का है, इसलिए ये शरीर का मैं त्याग करना चाहती हूँ और दूसरे शरीर को प्राप्त करके
जो दक्ष से नहीं जुड़ा है उस शरीर को प्राप्त करके मैं दोबारा शिवजी के साथ में उनकी पत्नी के रूप में रहना चाहती हूँ। क्योंकि शिवजी और सती जो हैं वो तो उनका इटर्नल बॉन्ड है, सनातन उनका रिश्ता है आपस में। ये एक शरीर छोड़ने मात्र से टूटने वाला नहीं है। हमें नहीं सोचना है कि सती ने अपना शरीर त्याग दिया तो अब जो है उनकी कोई रिलेशन नहीं रह गई है शिवजी के साथ में, उनका तो अटूट रिश्ता है। तो अब क्या करने वाली हैं, हमें ये भी पता है इस शरीर का त्याग करने के पश्चात वो हिमालय की पुत्री के रूप में उनको अगले जीवन में जो है शरीर की प्राप्ति होगी और पार्वती के रूप में उनका जन्म होगा और तब शिव और पार्वती दोनों का वही सनातन, वही सती जो है पार्वती के रूप में अगले जन्म में अब वो जन्म लेने वाली है। ये शरीर छोड़ने के पश्चात उनको अब पार्वती का शरीर प्राप्त होने वाला है। तो उनकी इच्छा इस प्रकार से थी, अपनी योग सिद्धियों के द्वारा ये शरीर त्याग करके अब वो जो है दूसरा शरीर धारण करके शिवजी के साथ में वो संबंध में बंधना चाहती थी, ये उनका विचार था। यहाँ पर एक बड़ा बढ़िया प्रसंग जो हम समझ सकते हैं, देखिए दक्ष जैसे भौतिकतावाद में डूबे हुए व्यक्ति अगर हम उनके संग में बंधे रहेंगे जैसे यहाँ पर सती बंधी हुई थी, तो हम देख सकते हैं हमारा विनाश निश्चित है। जैसे सती का विनाश हो गया तो हमें जो है हमेशा सत्संग की तरफ ध्यान देना चाहिए। असत्य संग त्यागा ऐ वैष्णव आचार। वैष्णव का सबसे महत्वपूर्ण आचार क्या है, असत्य संग का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि असत लोगों के साथ में अगर हम बैठते हैं, उठते हैं, विचार करते हैं, तो फिर हमें पता है हमारा आत्मा जो है इस भौतिक संसार में बंधनों में हमेशा के लिए बंध जाएगी, इस शारीरिक रूपी पिंजरे के अंदर में बंधी रह जाएगी। और अगर हम महान संतों का, महात्माओं का, उनकी सेवा में लगते हैं तो हमारे जो है मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, आत्मा इन शारीरिक बंधनों से मुक्त होकर के भगवत धाम तक वापस जा सकती है। तो कृष्णा भावनामृत के द्वारा अगर हम शरीर छोड़ने के समय में भगवान के विचारों में लीन रहेंगे तो हम भगवत धाम तक जाएंगे। माता पार्वती जो अब जन्म लेने वाली हैं, जो पूरे अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में थी, उन्होंने अपनी देह का त्याग किस प्रकार से किया, क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी, उनकी इच्छा थी दोबारा शिवजी के साथ में उसी पवित्रता में बंधन के लिए थी। तो उन्होंने शिवजी के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के पश्चात में अग्नि का जो एक ये रहता है प्रभाव रहता है, उस अपनी योग अग्नि के द्वारा अपने इस शरीर को उन्होंने जो है जो दक्ष से प्राप्त हुआ था सती के रूप में, उसको जो है उन्होंने अग्नि से भस्म कर दिया। और भागवत में कहा है शिवजी के चरण कमलों पर ध्यान लगाने से उनका मन जो है पवित्र हो गया, उनके शरीर में जो अपवित्रता थी वो अपवित्रता जो है शुद्ध हो गई। मतलब आपने देखा होगा अग्नि के द्वारा चीज़ें जो है शुद्ध हो जाती हैं, ये शरीर शुद्ध हो गया। तो भगवान हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा मन सती का मन शिवजी के चरण कमलों के ऊपर था, क्योंकि उनका विचार ये था कि अगले जन्म में उन्हें जो है शिवजी के साथ में बंधनों में बंधना था, अगर इसी प्रकार से हम भी अपने मन को भगवान के, नारायण के, कृष्ण के चरण कमलों पर लगा करके रखें तो हमें जो है बाहरी कोई अग्नि की जरूरत नहीं पड़ेगी इस शरीर को शुद्ध करने के लिए। भगवान की भक्ति की जो अग्नि होती है
उसके द्वारा हमारा पूरा शरीर और हमारा अंतर मन, दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक ये बाहरी शरीर और एक ये अंदर का शरीर होता है। मन बुद्धि अहंकार ये अंदर का शरीर है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और ये बाहर का शरीर है। तो भगवान के ऊपर ध्यान लगाने से, भगवान की समाधि में जब हमारा मन लीन हो जाएगा, तो बाहर का शरीर भी और हमारा अंदर का सूक्ष्म शरीर भी दोनों जो है पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। ये यहाँ पर हम भी देख सकते हैं, इस प्रसंग में ये हम समझ सकते हैं। लेकिन अंतर ये होता है कि हमें बाहर की अग्नि की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें जो है इस शरीर को जलाना पड़ेगा, भस्म कर देना पड़ेगा। भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली बताई जाती है, ऐसा बताया जाता है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली होता है, एक अग्नि के बराबर है, कि कितना भी पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो भगवान के नाम का जप कर रहा है, उसका मन भगवान के चरण कमलों पर टिका हुआ है, तो भगवान के आनंद में जो अग्नि होती है, उसके द्वारा हमारे सारे पाप कर्म जल करके राख हो जाएंगे, हमारा ये शरीर, हमारा मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। तो अब आगे जो है, अब सती ने अपने प्राण वहाँ पर त्याग दिए, तो अब उस सभा में क्या होने वाला है, ये खबर जब, ये संदेश जब शिवजी को प्राप्त होगा, उनका अब क्या रिएक्शन होगा इसके प्रति, इसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।